सो हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और हमारे वीडियो देख रहे हो गए। तो सबसे पहले गाइज, आप सभी लोग को हैप्पी होली दिल से यार। और फिर सारे लोग यार मजे से होली खेलना, अच्छे से होली खेलना, और जितना जितना भी हो ना यार, ज़्यादा पानी का वेस्ट मत करना, मतलब सही तरीके से होली खेलना। और फिर गाइज बोले, थोड़ा सा इशू हो रहा है क्योंकि अपना टंग है ना कट चुका है यार साइड से, पता नहीं ऐसा क्यों हो चुका है। और फिर जैसा कि गाइज आप लोग जानते हो कि मेरे को हो चुका है टाइफाइड गाइज, तो मेरे को डॉक्टर ने मना किया होली खेलने के लिए। सो अपन लोग तो होली नहीं खेल रहे हैं, और फिर खेलने का तो काफ़ी शौक होता है गाइज, क्योंकि हर किसी का सपना होता है यार होली खेलेंगे। और फिर होली कारण ही अपन लोग गाँव आए थे कि आज होली खेलेंगे यार, आज का टाइम भी काफ़ी अच्छा है। और फिर बोलने में काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा है गाइज, क्योंकि जो कटा हुआ है ना टंग, उसे कुछ खाने नहीं बन रहा और फिर बोलने में नहीं बन रहा गाइज। तो चलो ये सब तो बात होती रहेगी, तो बस यही बोलूँगा गाइज, अच्छे से होली खेलना आप लोग, पानी का थोड़ा कम यूज करना क्योंकि सेव वाटर, जैसे कि आप लोग जानते हो यार। अच्छे से होली खेलना, ड्रिंक ज़्यादा मत करना क्योंकि ड्रिंक करने से काफ़ी ज़्यादा हेल्थ पे इफेक्ट आता है, तो प्लीज़ वो सब ज़्यादा मत करना। बाकी यार इंजॉय करो यार होली। और मैं आप लोगों को कुछ रिपोर्ट दिखा देता हूँ अपना, जैसा कि मैं आज वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें वॉइस ऐड करेंगे गाइज, क्योंकि अपन लोग सिर्फ वीडियो ही बना पाए थे और फिर डॉक्टर के पास गए थे, वहाँ पे वीडियो नहीं बन पाया था गाइज, तो इसी कारण से कल ज़्यादा बीमार थे ना तो वीडियो नहीं बना पाए थे। तो आज अपन लोग वॉइस ऐड करके कुछ वीडियो बनाएंगे, जैसा कि आप लोग को दिखा देते गाइज, ये मेरा दवाई है। सो गाइज ये मेरा रिपोर्ट है, मतलब रिपोर्ट नहीं, ये डॉक्टर का लिस्ट है गाइज, यहाँ पे मैंने गया था चेकअप करवाने के लिए। और फिर ये गाइज टेम्परेचर है, हर एक टाइम मैंने अपने को फीवर चेक करनी है, कितना टाइम में कितना फीवर आएगा वो अपने को लिखनी है डेली। और फिर देख सकते हो मेरा नाम आनंद रोशन, 6 तारीख को मैंने टेस्ट करवाया था मेल। और फिर गाइज मेरा 66 kg वेट है, हाइट के अनुसार इतना होना चाहिए। और फिर देखो गाइज ये 3 टेस्ट था, पहला TC DC बिडाल बोले तो टाइफाइड और नीचे मलेरिया। और उसके बाद मेरे को टेस्ट होने के बाद ये दवा मिला था गाइज, जो कि मैं घर आने के बाद वीडियो बना रहा हूँ, इसी कारण से अपन लोग बाद में दिखा रहे हैं। तो ये मेरा कुछ दवाई है, इधर टेस्ट था, ऊपर मेरा सारा कुछ दिखा गया था। और फिर ये गाइज देखो ये मेरा रिजल्ट है, दिखाते गाइज, रुक जाओ भाई, फोल्ड हो जाए जल्दी से गाइज पानी। ये देखो मेरा सारा कुछ सही है यार, सिर्फ पॉजिटिव निकल गया टाइफाइड में। देखो TC सही है 6100, हालांकि होना चाहिए 400 से 11000, बस 4000 से 11000, लेकिन सही है, नॉर्मल है, सारा कुछ सही है, लेकिन टाइफाइड में निकल गया पॉजिटिव गाइज। तो इसी कारण से अपने को दवा गाइज काफ़ी ज़्यादा मिला हुआ है, और फिर सारा कुछ इसमें हर कुछ सही है। तो गाइज यही कुछ है, अपने को काफ़ी ज़्यादा अभी प्रॉब्लम भी हो रही है बोलने में, क्योंकि भाई दीप तो बहुत ज़्यादा कटा हुआ है। फिर से मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, ये देख लो सारा कुछ काउंट कर लो, न्यूरोट्रोफिल्स ये क्या होता है पता नहीं मेरे को, ये तो जो मेडिकल कर रहा है वही बता सकता है, बट हाँ यही सारा कुछ है, मलेरिया निगेटिव था दोनों। तो चलो गाइज अभी यहाँ से आप लोग को रिपोर्ट देख लिया गाइज, और अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ अपना मेडिसिन गाइज, तो इसको करते हैं साइड में और फिर अपना मेडिसिन लाते हैं गाइज। ये देखो कुछ इतना सारा मेडिसिन, एक एक करके सारा कुछ दिखाता हूँ गाइज। तो ये सिरप है मल्टी विटामिन का, जिनको विट CL सिरप गाइज, बोलने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो कोई ना यार, इतना मैनेज कर लेना। अपने को 2 टाइम लेनी है 10-10 ml, तो सुबह भी लेनी है 10 ml, शाम में भी। और गाइज दूसरा दवा की बात करो तो अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो ये ऊपर से देखने से ही लग रहा है गाइज ये गैस का टैबलेट होगा, क्योंकि देखो जब हैवी मेडिसिन लो ना तो उसमें गैस का टैबलेट लेना ज़रूरी होता है गाइज, क्योंकि उससे गैस रिलीज होता है, तो भाई काफ़ी सही होता है। तो ये कुछ है, हालांकि DSR ही ज़्यादातर आता है गैस का, काफ़ी अच्छा दवा आता है DSR करके लास्ट में जो भी होता है। ये देखो गाइज DSR ही है, तो सही है यार, ये गैस का टैबलेट है, ये अपने को सुबह सुबह डेली खाली पेट खानी है। तो इसको करते हैं साइड में, अपन लोग दूसरा टैबलेट निकालते हैं। और फिर ये मेन टैबलेट है गाइज, ये अपना टाइफाइड का सबसे मेन टैबलेट है, ये 7 दिन का कोटा है, सुबह और शाम दोनों टाइम मेरे को एक एक टैबलेट खानी है, खाना के बाद, नाश्ते के बाद, जो भी हो। अक्सर गांव के लोग ऐसे होते हैं ना, नाश्ता नहीं बोलते, खाना ही बोलते हैं। तो ये 5 दिन का इसमें है, और फिर 2 दिन का और 4 टैबलेट इसके अंदर, दिखा देता हूँ गाइज ये देखो। तो टोटल 14 टैबलेट, 7 दिन का कोटा दवा का, और सिरप का 10 दिन का, मतलब बोले तो टोटल 10 दिन का कोटा होता है गाइज। और फिर ये एक और दवा है
जब मेरे को बुखार आएगी ना तो ये दवा मेरे को खानी है, तो फीवर नॉर्मल होगी, तो ये 5 टैबलेट मेरे को दिया गया है। तो अपन लोग रूल फॉलो करेंगे गाइस, देखते हैं सही होता है फिर नहीं होता है। हालांकि अपना होली तो हो चुका है बर्बाद गाइस, बट आप लोग बर्बाद मत करना यार, सेफ रहना गाइज, आप लोग जितना हो सके उतना अवॉइड करना है सब सारी चीज़ों से, गलत चीज़ से। सो गाइज क्या ही बोले यार। सो फाइनली गाइज आप लोगों ने देख लिया यार, इतना कुछ मेरे को दवाई मिला है और फिर मेरे को नॉर्मल खाना खानी है, मेरे को नॉनवेज नहीं खाना है, चलो वो फूड नहीं खाना है। फूड भाई बोलने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज हो रही है यार, क्योंकि यहाँ पे ना ये कान काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है वो जीभ के कारण। तो मेरे को नॉर्मल फूड ही खानी है बस, समझ लो बस इतना ही खानी है, अपने को होली नहीं खेलनी है। तो ये अपना हो चुका है बैड लक गाइज, तो बस और कुछ नहीं, बस आप लोग अच्छे से होली खेलो। सो बाय बाय गाइज, इन्जॉय करो होली, विश यू हैप्पी होली भाई, मज़े से होली खेलना, जितना अच्छे से होली खेलना, बस सेफ रहना और दूसरे कोई नुकसान मत पहुंचाना। सो बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना और हमारे वीडियो देखते रहना गाइस। सो